हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही धनाधन इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है और बदल गया है पूरा हरियाणा का गणित और सीएम के साथ बीजेपी ने कर दिया है खेला, ऐसा भी बताया जा रहा है। चलिए समझते हैं पूरा मामला। तो आखिरकार जिसका इंतजार था वो आ ही गया, यानी हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट। बीजेपी की पहली लिस्ट चौंकाने वाली है। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही भगदड़ मच गई है। धनाधन इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। अब तक जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह श्योरान भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। महम से बीजेपी की टिकट के दावेदार शमशेर सिंह खड़कड़ा ने भी पार्टी छोड़ने की चर्चा की है। हिसार जिले के उकलाना से टिकट के दावेदार शमशेर गिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं गुरुग्राम से दो दावेदारों जीएल शर्मा और नवीन गोयल ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए अपने समर्थक कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा कांग्रेस में जा सकते हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी सरकार में बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं तो टिकट देने में यह पैमाना क्यों अपनाया गया। वहीं दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी बार बार कहते रहे कि करनाल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ भी खेला हो गया। करनाल से बीजेपी ने सैनी की जगह जगमोहन आनंद को टिकट दे दिया, साथ ही अपने 9 सिटिंग विधायकों का बीजेपी ने टिकट ही काट दिया है। वहीं जेजेपी से बीजेपी में आए 3 उम्मीदवारों पर बीजेपी ने इस बार भरोसा जताया। देखा जाए तो हरियाणा की एक एक सीट काफी अहम है, क्योंकि जैसे हालात दिख रहे हैं ऐसे में एक सीट से सरकार बन और बिगड़ दोनों सकती है। चलिए आपको बताते हैं बीजेपी की पहली लिस्ट में कितना दम है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बार बार कहने के बावजूद उन्हें करनाल से टिकट नहीं मिला, बल्कि अब नायब सिंह सैनी अपना अगला चुनाव लाडवा से लड़ेंगे। बीजेपी की पहली सूची में इसकी घोषणा हो गई है। अब उनकी सीट बदल जाने के पीछे कई चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी तंज कसा है इस पूरे मामले पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल उपचुनाव में जीत हासिल की थी, अभी वे इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल इस सीट से मनोहर लाल खट्टर विधायक थे, जब उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। बीते कुछ दिन पहले सीएम सैनी ने करनाल में दावा किया था कि करनाल ही नहीं समस्त हरियाणा के लोगों ने यह तय कर लिया है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा था कि करनाल की जनता का मुझे समर्थन देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि करनाल की जनता का समर्थन मुझे मिलता रहेगा। इसी से बताया जा रहा था और माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शायद बीजेपी ने उन्हें झटका दे दिया है। वहीं करनाल से बीजेपी ने जगमोहन आनंद को टिकट दिया है। जगमोहन आनंद बीजेपी से काफी सालों से जुड़े हुए हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। जगमोहन आनंद का कहना है कि इस टिकट का मैं उधार नहीं चुका सकता, क्योंकि जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर जताया है वो करनाल की जनता वो विश्वास पूरा करेगी। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, विकास की बात करेंगे और विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में खेल कोच के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे विधायक और पूर्व मंत्री संदीप सिंह की टिकट काट दी गई है। पिहोवा से संदीप सिंह की जगह सरदार कमलजीत सिंह अरजाना को भाजपा ने उम्मीदवार अपना बनाया है। इसी तरह बिजली मंत्री और रानिया से विधायक रंजीत सिंह को भी भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह बीजेपी ने शीशपाल कंबोज को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने जेजेपी से आए 3 एमएलए पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। फतेहाबाद की रतिया विधानसभा से विधायक लक्ष्मण नापा का भी टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने सुनीता दुग्गल की टिकट काट कर आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया था। तंवर लोकसभा चुनाव कांग्रेस की कुमारी शैलेजा से बुरी तरह हार गए थे।
इसके अलावा पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगा, भवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, अटेली से सीताराम यादव और सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह की टिकट भी पार्टी ने काट दी है। वहीं हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए किरण चौधरी की बेटी को भी टिकट इस बार मिला है। श्रुति चौधरी को भी तोंगशाम विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच ने आरोप लगाया था कि 1 जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने सेक्टर 7 स्थित सरकारी आवास पर बुलाया था। वहीं उन्होंने उससे छेड़छाड़ की थी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। संदीप सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया था। संदीप सिंह ने इस मामले में आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी भी दायर की थी, जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन यह अर्जी अदालत ने रद्द कर दी थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हुई है, उस पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। कई बीजेपी नेता जो है वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का रुख अपना रहे हैं, और इस बार का जो हवा का रुख बताया जा रहा है वो भी कांग्रेस की तरफ बताया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पहली लिस्ट जो आई है बीजेपी की और दूसरी लिस्ट जो आती है उसमें कितने नाम शामिल होते हैं और कौन कौन से नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा अहम होगा कि कांग्रेस की लिस्ट में किसका नाम शामिल होता है और किसे मैदान में उतारा जाता है।